गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वेश्चन वर्ड्स, जिसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं होते हैं। और आपकी बुक में 3 क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं आपको, हु, व्हाट, वेयर, ठीक है, जिसकी हमने 2 एक्सरसाइज भी कम्प्लीट कर ली थी। नाउ योर थर्ड एक्सरसाइज इज पेज नंबर 51, पुट इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं आपको जो सही क्वेश्चन वर्ड है उसको पुट करना है। डैश इज़ डैट मैन, ही इज़ माई अंकल, है ना, वह मेरे अंकल है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हु इज़ डैट मैन, वह आदमी कौन है। तो आंसर क्या आया, ही इज़ माई अंकल, वह मेरे अंकल है। तो मतलब आपको आंसर और ये क्वेश्चन का बचा हुआ सेंटेंस देख के आपको क्या चूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड हु इज़ डैट मैन, वह आदमी कौन है। डैश इज़ योर फादर, ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा, वॉट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा क्या है। तो ही इज़ अ डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो सेकंड में आप क्या लिखना, वॉट। थर्ड, डैश आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। तो वेयर मतलब कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, वेयर आर योर बुक्स, देयर आर इन माई बैग, दे आर इन माई बैग, वह मेरे बैग में है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेस दी है, मैंने नंबरिंग कर दी है, तो यहीं पर आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड फ्रॉम दी बॉक्स द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया है, उसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। हु इज़ डैड बॉय, ठीक है, तो ही इज़ मनु, ही इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ टीचर, दे आर इन हिज बैग, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है, ही इज़ मनु, ठीक है, वह लड़का कौन है, तो वह मनु है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज़ मनु, ये दोनों पूछ रहे, ये इससे पूछ रहा है, हु इज़ डैड बॉय, यह लड़का कौन है। ठीक है, तो इस दूसरे बॉय ने क्या आंसर दिया, ही इज़ मनु, वह लड़का वह मनु है। वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, आपको दिख रहा है उसको बैग टंगा हुआ है, तो वह कहाँ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सेकेंड नंबर पर आप क्या आंसर लिखेंगे, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। थर्ड, वेयर आर हिज बुक्स, उसकी किताबें कहाँ हैं, तो उसकी किताबें कहाँ होगी, उसके बैग में होगी, दे आर इन हिज बैग, कहाँ होगी, दे आर इन हिज बैग, वे उसके बैग में हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, दे आर इन हिज बैग। वॉट इज़ हिज फादर, उसके पिताजी क्या है, मतलब उसके पिताजी क्या करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है, ही बॉय के लिए होता है, मतलब उसके फादर के लिए लिखा है, ही इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। वॉट इज़ हिज मदर, तो यहाँ क्या आंसर लिखा है, शी इज़ अ टीचर, शी मतलब उसकी मम्मा के लिए है, शी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग की है, आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के आंसर, ये जो प्लेस दी हुई है यहाँ पर लिखना है। और जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, या क्वेश्चन पूछने का अगर आपका कोई सेंटेंस है, तो आप व्हाट का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बोल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हु इज़ डैट मैन, वह आदमी कौन है, ठीक है, हु इज़ डैट बॉय, वह लड़का कौन है, इस तरह से आप छोटे छोटे क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ इसकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है इस चैप्टर की, क्योंकि बुक में सारी एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर प्लेस दी हुई है। तो सभी बच्चे अपनी इस चैप्टर तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।